हाय आज बीरीज, कैसे हैं आप सब। सो समर है और समर में सबको एक चीज बहुत पसंद है, आइसक्रीम। सो आज मैं आपको चॉकोबार बनाना दिखा रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स वाला। सो आपके पास जो भी बिस्किट्स है, ये 10 रुपए का बिस्किट है, क्रीम बिस्किट लेना जिससे कि बहुत टेस्ट और अच्छा आता है। सो कोई भी क्रीम बिस्किट आपको लेना है और आप उसको जार में डाल दीजिएगा। जो भी बच्चे कुछ ऐसे बिस्किट्स होते हैं जो जैसे कि क्रीम खा लेते हैं बहुत लोग और ऐसे छोड़ देते हैं, सो वो मैंने डाल दिया है। और सो जितना आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सो आप बिस्किट्स ले लीजिएगा। क्रीम बिस्किट होगा तो और अच्छा आता है टेस्ट। सो ये मिल्क पाउडर है, अमूलिया का मिल्क पाउडर। मैं मिल्क पाउडर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मिल्क पाउडर आपके आइसक्रीम में और टेस्ट उसको एनहांस कर देता है। और मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर लेना, ये कोई जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। बट मिल्क पाउडर डालने से मुझे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। 2 स्पून मिल्क पाउडर। इसको ब्लेंड करने के लिए हमें थोड़ा सा बॉईल किया हुआ मिल्क डालना है। इसको ज्यादा हमें लिक्विड ही नहीं करना है, थोड़ा सा डालिएगा, ब्लेंड कीजिएगा। और तो आपको चाहिए तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं। एक ही साथ पूरा मिल्क डाल देंगे तो पूरा लिक्विडी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। थोड़ा सा सेमी सॉलिड जैसा रहना है। सो जो बिस्किट से मैं आइसक्रीम बना रही हूँ वही बिस्किट का रैपर मैं यूज कर रही हूँ मेरे आइसक्रीम को जमाने के लिए। अगर आपके घर में ऐसे छोटे छोटे रैपर्स होंगे आप उसमें भी डाल सकते हो। सो जो हमारा आइसक्रीम का कंसिस्टेंसी होना चाहिए इस तरह होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मिल्क डाल दोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो जो भी आप रैपर्स ले रहे हो उसमें ये आइसक्रीम डालना, पूरा नहीं डालना है हमें, हमें आधा तक डालना है, हाफ। सो बाकी सारे रैपर्स को भी हमें हाफ तक आइसक्रीम से भर देना है। सो अभी मैं दिखाने जा रही हूँ मेरा जुगाड़ू आइसक्रीम स्टिक, जो हम चॉकोबार पकड़ के खाते हैं ना। सो वो मेरे पास तो स्टिक नहीं है तो इसलिए मैंने फोक स्पून लिया है, उसका बैक साइड जो होता है उसको मैंने इंसर्ट कर दिया आइसक्रीम के अंदर। अभी हमें उसको टाइटली नॉट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रबर बैंड से उसको कवर कर रही हूँ। सो इसको टाइटली रबर बैंड से क्लोज करना जिससे कि हम जब इसको फ्रीजर में रखें पानी इसके अंदर नहीं गिरना चाहिए। और सपोर्ट के लिए मैंने इसको ग्लास में रखा है। सो ये आइसक्रीम सेटअप को हमें फ्रीजर में रखना है फॉर 1 आवर। 1 आवर के बाद आप देखोगे कि आइसक्रीम जो है वो टाइट हो जाएगा। सो ये जो चॉकोबार का इनर पार्ट है उसे मैंने फ्रीजर में रख दिया है जमने के लिए। अब उसका जो आउटर क्रस्ट होता है वो फुल ऑफ चॉकलेट्स होता है। सो यहाँ पे मैं 2 टाइप्स ऑफ चॉकलेट वैरायटी ले रही हूँ, वो है मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट। यहाँ पे मैं दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप ओनली डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। सो अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप डायरी मिल्क के साथ भी ये चॉकलेट क्रस्ट बना सकते हो। सेम प्रोसेस है, जैसे मैं अभी ये चॉकलेट्स को चॉप कर रही हूँ। चॉप किया हुआ चॉकलेट और मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में काजू ले रही हूँ, कैश्यू नट। आप इसमें कैश्यू नट डाल सकते हो, आलमंड्स भी ले सकते हो। सो वो आप एक बाउल में ले लेना। अभी हमें इसको डबल बॉयलर मेथड के द्वारा चॉकलेट को मेल्ट करना है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि चॉकलेट को कैसे मेल्ट किया जाता है। सो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दूंगी, आप देख लेना। अगर आपके पास कंपाउंड चॉकलेट्स नहीं है तो नॉट टू वरी, आप सेम मेथड फॉलो कीजिएगा। इंस्टेड ऑफ कंपाउंड चॉकलेट आप डायरी मिल्क के साथ भी आउटर क्रस्ट बना सकते हो। सो अभी देखिए मेरा चॉकलेट अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद स्विच ऑफ कर देना आपका फ्लेम। जैसे ही आपका चॉकलेट मेल्ट हो जाता है तो आप अपना फ्रोजन आइसक्रीम भी फ्रिज से निकाल लीजिएगा और वो जो सेटअप हमने बनाया था उसे आप रिमूव कर लो। बिस्किट रैपर निकालते समय थोड़ा सा स्मूथली हैंडल कीजिएगा, जैसे ही निकालोगे तुरंत आप मेल्टेड चॉकलेट उसके ऊपर डाल लेना। फ्रोजन आइसक्रीम उसको अच्छे तरह आप मेल्टेड चॉकलेट से कोट करना। कोट करने के बाद आप उसको एक प्लेट में अच्छे तरह उसको रख देना। सो सेम स्टेप आपको फॉलो करना है, बाकी सारे फ्रोजन आइसक्रीम को भी इसी तरह आपको कोट करना है। सो
सो बाकी सारे आइसक्रीम स्टिक को भी आपको कोट करना पड़ेगा। कोट करने के बाद आप इसको फ्रिज में रखना जब तक आपका चॉकलेट हार्ड ना हो जाए और आपका चॉकोबार रेडी ना हो जाए। समर स्पेशल चॉकोबार आइसक्रीम रेडी है। सो इसका ऑलरेडी मैंने एक बाइट ले लिया है, सो आपको दिख रहा होगा। सो ये मस्ट ट्राई समर रेसिपी है जो आपको मैं पक्का बनाने कहूँगी, और प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करना, मार्केट वाला भूल जाओगे। और आपको दिख रहा होगा कि ड्राई फ्रूट्स भी दिख रहे हैं, सो आपको ये टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। एक बार इस तरह बना के देखना। मुझे पता है कि आप भी मेरे आइसक्रीम लवर होंगे, तो लाइक तो ज़रूर कर ही दिया होगा। अगर कोई न्यू मेंबर है जो मेरा चैनल देख रहा है, तो थैंक यू सो मच आपका टाइम मेरे ये वीडियो में देने के लिए। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और शेयर कमेंट करना अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।